बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं 9 उम्र था और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक दर्जी गुलाम के पास तशरीफ़ ले गए। वो एक प्याला लाया जिसमें खाना था और ऊपर कद्दू के कतले थे, यानी टुकड़े थे। आप कद्दू तलाश करने लगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि जब मैंने ये देखा तो कद्दू के टुकड़े आपके सामने जमा करके रखने लगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि प्याला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखने के बाद ग़ुलाम अपने काम में लग गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि इसी वक्त से मैं कद्दू पसंद करने लगा जब मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल देखा। जदीद तहकीक से यह साबित हो चुका है कि कद्दू में विटामिन्स और मिनरल वाफर मकदार में पाए जाते हैं, जो आपकी नज़र को तेज़ तार और दिल को तंदुरुस्त और तवाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं और कैंसर जैसे मूजी अमराज को कम करते हैं। और आखिर में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इस्लामिक वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें।